शाहपुर थाने की पुलिस ने फरार चल रहे गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान अखिलेश यादव पुत्र जोगेंद्र नाथ यादव निवासी सदगुरु माधोपुर थाना पनियरा जनपद महाराजगंज और शिवशंकर गुप्ता और भोला गुप्ता पुत्र रामेश्वर गुप्ता निवासी हरसेवकपुर नंबर 2 टोला लक्ष्मीपुर थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहे थे। इनके ऊपर कई मुकदमे पूर्व में पंजीकृत थे। आज इन्हें गिरफ्तार करने में शाहपुर थाने की पुलिस को सफलता मिली है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह कांस्टेबल सोनू प्रसाद पवन यादव और सुनील यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा ये कप्तान साहब के निर्देशानुसार पूरे जनपद भर में अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पुराने गैंगस्टर वांछित जितने भी हैं उनके ऊपर लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। उसी क्रम में शाहपुर थाना क्षेत्र में 978/20 ये गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें 7 लोग इसमें नामजद थे। उसमें से पूर्व में भी लगातार लोगों की गिरफ्तारी की गई। कुछ दिन पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब इसी क्रम में 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है जो हैं अखिलेश यादव और शिवशंकर गुप्ता। इन दोनों की गिरफ्तारी आज शाहपुर थाना क्षेत्र में की गई। सर कितने अभियुक्त हैं? नहीं, इसमें कुल 7 अभियुक्त हैं और कई लोगों की इसमें पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी। जो शेष थे उनमें से 2 लोगों को आज फिर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ये इनके ऊपर हत्या के भी मुकदमे हैं और अन्य भी कई मुकदमे हैं जिसमें इन्होंने एक साथ मिलकर इस कृत्य को अंजाम दिया था। उसी क्रम में इनकी गिरफ्तारी की गई। इनके द्वारा कोई गैंग नहीं था मगर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और आगे जांच की जा रही है। अगर किसी गैंग से होंगे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।